आइए दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं लाइन किसको बोलते हैं। लाइन एक ऐसा वर्ड है जो हमारी कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन टर्म्स में काफी बार यूज होता है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, बट इसका जो बेसिक सेंस है वो कहाँ से निकल के आता है ये जानने की दोस्तों बहुत जरूरत है। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं, लाइन से पहले हम दोस्तों पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। इस पॉइंट से मैं क्या क्या चीज बना सकता हूँ, क्या इस पॉइंट से मैं लाइन बना सकता हूँ दोस्तों, आइए देखते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मैं इस पॉइंट से दोस्तों एक कर्व बना सकता हूँ। यहां से मैं शुरू हुआ और यहां पर मैं खत्म हो गया, आके मैंने एक कर्व टाइप की कुछ शेप बना दी। इस पॉइंट से मैं शुरू हूं दोस्तों, यहां से मैं और भी फिगर्स बना सकता हूँ। मान लो मैं जिगजैग लाइन बनाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, सारी क्लोज, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये भी एक क्लोज फिगर है। यहां से मैं कुछ इस तरह से शेप बना सकता हूँ, इस पॉइंट से गया और वापस आ गया कुछ एक शेप बना के। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, ये मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है कि मैं इस पॉइंट से क्या बना सकता हूँ। बट अगर मैं लाइन की बात करता हूँ तो मुझको क्या चाहिए यहाँ पे, मुझको यहाँ दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। जब इन दो पॉइंट्स की बात हो रही, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, जब इन दो पॉइंट्स की बात हो रही है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लाइन सेगमेंट का, क्योंकि इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको दोस्तों हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फर्दर एक्सटेंड कर दूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक लाइन मिल गई ए बी से, ये लाइन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सेगमेंट है फर्दर एक्सटेंड हो गया और ये हमें एक लाइन मिल गई। इस लाइन का भी दोस्तों एक नाम होता है, जैसे हमने लाइन सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन करी थी ए बी लगा के, इस तरह से हम इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में, जैसे हमने एल से दोस्तों इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हुआ जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये लाइन है, इसको हम, कि जो लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट से बना है, इसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्या ये लाइन राइट साइड में एक्सप्रेस हो सकती है, लेफ्ट में? नहीं नहीं ये लेफ्ट में भी एक्सप्रेस हो सकती है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ए बी और ए से जब हम एक्सप्रेस हमने किया तो यहां पर हमें ए की तरफ से हमने उसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, और ये हमें दोस्तों यहां पर, दोस्तों ये देखिए, ये हमें यहां पर लाइन सेगमेंट इस तरह से एक्सटेंड हुई, और ए की लेफ्ट साइड और बी की राइट साइड में भी हमें ये लाइन के टर्म्स में डिफाइन हो गई। इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल हम एल ही लिख देते और हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था कि लाइन सेगमेंट से ही लाइन बनी, पॉइंट से हम लाइन को नहीं बना सकते। दूसरे शब्दों में ये बोलें कि सिंगल पॉइंट विल नॉट एक्सप्रेस, तो हमने लिखा सिंगल पॉइंट विल नॉट एक्सप्रेस लाइन। तो एक जो सिंगल पॉइंट है उससे एक्सप्रेस नहीं होगी लाइन, क्योंकि ए से तो काफी चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं, तो हम उसको लाइन ये कह नहीं सकते, हम श्योर नहीं है कि लाइन एक्सप्रेस होगी नहीं होगी, तो हम इसलिए लिख दिया। तो सो हमने यहाँ लिखा कि सिंगल पॉइंट से लाइन एक्सप्रेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट से बहुत कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, कर्व एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ शेप एक्सप्रेस हो रही है, कुछ एक क्लोज शेप यहाँ हमने बनाई, कुछ लाइन भी हम बना सकते हैं, बट हम श्योर नहीं है कि लाइन इसे एक्सप्रेस होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लाइन किस तरह डिफाइन होती है, ये पहले लाइन सेगमेंट के फॉर्म में आती है। तो हम इसके एक स्टेप ले लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स बनाने हैं, ए एंड बी, या आप और भी कोई नाम ले सकते हैं। उसके बाद हमें, आपने दो पॉइंट को ज्वाइन किया ए एंड बी, और आपने एक लाइन सेगमेंट को बनाया जिसको हम डिफाइन करेंगे ए बी की शेप में। तो जब हमने एक्सटेंड किया लाइन ए बी को, तो जब हमने एक्सटेंड किया लाइन सेगमेंट ए बी को, तो हमें एल मिल गई। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेस किया कि हम एक लाइन को किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं और क्या क्या बेसिक चीज उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।